1 जनवरी 1956 को ये कंपनी स्टार्ट होती है। ये कंपनी आज के टाइम पे 90 बिलियन डॉलर से ज्यादा का रेवेन्यू कमा लेती है और ये कंपनी दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस की कंपनी बन जाती है। मैं बात कर रहा हूँ LIC की। LIC में काफी सारी वैकेंसीज निकली हुई है। वैकेंसीज का नाम है AAO, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ऑफिसर। 300 वैकेंसीज निकली हुई हैं। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डेजिग्नेशन है, उस पर हम बात करेंगे। बात करने से पहले मैं बता देता हूँ, इस कंपनी का जो 2022 का रेवेन्यू है वो 90 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का है। 500 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के इस एसेट है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फाउंड की गई। इसमें 300 वैकेंसी निकली हुई है और ये वैकेंसी कैसे अप्लाई करनी है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है आपको अप्लाई करने के लिए, मैं सब बातें बताऊंगा। बताने से पहले आपकी एक सपोर्ट चाहिए, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं LIC में जो वैकेंसी निकली हुई है, क्या क्वालिफिकेशन, कौन सी डेजिग्नेशन, कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस रहने जा रही है, पूरी डिटेल बताऊंगा। साइड में नोटिफिकेशन भी आ रहा होगा, एक एक करके मैं बहुत बारीकी से इसकी डिटेल बताऊंगा। देखिए ये जो वैकेंसी निकली हुई है, इस वैकेंसी का नाम है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। और ये जो वैकेंसी है, ये 300 वैकेंसीज है टोटल 300 वैकेंसीज है। रिजर्वेशन के लिए ज़्यादा डिटेल के लिए आप पढ़ सकते हैं, मैं मोटी मोटी चीज़ें इसमें आपको समझाऊंगा बताऊंगा। देखिए SC ST के लिए जो है वो 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और जो टोटल एज चाहिए वो 30 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या बिलोंग करते हैं, और बाकी कैटेगरीज के लिए यहाँ रिलैक्सेशन थोड़ा थोड़ा दे रखा है। अब बात करते हैं क्या सैलरी क्या रहेगी। जो बेसिक सैलरी है वो 53,600 सैलरी आपकी रहेगी पर मंथ, और उसमें आपको जो रहने का रेंट है या और फैसिलिटीज़ है वो सब अगर आप मिला के देखें और अगर एक क्लास सिटी में वो सब चीज़ें मिलाएं तो 92,870 रुपये मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसमें 3 तरह के टेस्ट होंगे। फर्स्ट राउंड में जो होगा प्री एग्जामिनेशन होगा, सेकेंड राउंड में जो होगा वो मेन एग्जामिनेशन होगा, थर्ड राउंड में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप ये तीनों राउंड क्लियर करते हैं तभी इस वैकेंसी के आप एलिजिबल हैं। इस वैकेंसी के अंदर सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन अगर आप हैं तो ये वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बाकी सारी चीज़ों की, जैसे कि इसमें काफ़ी सारी डिटेल है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 85 रुपीज़ ऑनलाइन फीस आपको देनी होगी, और रजिस्ट्रेशन के लिए जो LIC की ऑफिशियल वेबसाइट है, मेरे लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं इसके नोटिफिकेशन पे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, या आप डायरेक्टली भी LIC की वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। गूगल के थ्रू जाकर भी आप वैकेंसी को देख सकते हैं, नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन मोड रहेगा, और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आप कार्ड कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वीज़ा, मास्टर, रुपए, ये सब कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स में आप क्या पढ़ सकते हैं, कौन कौन से किस तरह के आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, स्कैन करके और फोटोग्राफ्स वगैरह स्कैन करके, सिग्नेचर वगैरह, ये सब आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जो कॉल लेटर आएगा एग्जामिनेशन का, वो इसकी LIC की वेबसाइट पे ही आएगा, उसको आप बार बार चेक करते रहिएगा। उस पर 7 से 10 जब ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो उससे पहले 7 या 10 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप ये क्लियर कर लें और आसानी से आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं LIC की वेबसाइट पर जाकर, और जो बाकी डिटेल है वो आप इसके नोटिफिकेशन में पढ़ भी सकते हैं। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको कि इसमें क्वालिफिकेशन मैंने बताया है, आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और बाकी अगर कोई फर्दर ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको पूछनी है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं और बारीकी से आपको समझा दूँगा कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए इसमें जो दे रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर AAO,
बैचलर डिग्री दे रखी किसी भी आप यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी से आप होने चाहिए, तो आप इसके एलिजिबल हैं। बाकी मोर डिटेल आपके इस नोटिफिकेशन पे पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल दे रखी है, एक एक चीज़ आप पॉइंट आउट करके पढ़ सकते हैं। कोई अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कॉमेंट में भी लिख सकते हैं। तो होप दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।